भोपाल में हॉस्टल में बच्ची से दुष्कर्म के मामले में एक बड़ा अपडेट आ रहा है। पीड़िता और उसकी मां को घटनास्थल लेकर पुलिस पहुंची है। घटनास्थल वाले कमरे में लेकर पुलिस पहुंची। मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भोपाल के नामी स्कूल के हॉस्टल में मासूम से रेप की घटना सामने आई थी। स्कूल प्रबंधन ने महिला के आरोप को झूठा बताया था। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इस मामले में अब स्कूल से जवाब भी मांगा है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के ज्ञानगंगा स्कूल के उस हॉस्टल में जहां पर एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। ये वही स्कूल है और अब से कुछ देर पहले ही मिसरौद थाने की पुलिस बच्ची और उसकी मां को लेकर घटनास्थल पर पहुंची है। स्कूल का ये वही हॉस्टल है ज्ञानगंगा ऑर्चिड द इंटरनेशनल स्कूल का, जहां पर इस बच्ची को रखा गया था और इस बच्ची ने अपने साथ दुष्कर्म होने का जो आरोप है वो लगाया है। देखा जा सकता है कि स्कूल की ये बिल्डिंग है, फिलहाल इसका जो मुख्य दरवाज़ा है वो बंद कर दिया गया है, किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर मिसरौद थाने की पुलिस बच्ची और उनकी मां को लेकर यहाँ पर पहुंची है। फिलहाल यहाँ पर तीन अज्ञात के नाम से पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो गई है कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट यहाँ पर हुआ है। फिलहाल पुलिस गंभीरता से इस पूरे मामले की जाँच की बात यहाँ पर कह रही है। देखा जा सकता है कि ये वही स्कूल है और स्कूल के अंदर का ये नज़ारा है, ये वही बिल्डिंग है, ये वही हॉस्टल है जहां पर इस बच्ची को हॉस्टल में बोर्डिंग में रखा गया था और उसके बाद इसी हॉस्टल के इस कमरे में बच्ची के साथ जो घटना हुई है वो यहां पर हुई थी। फिलहाल अब बच्ची और जो उसकी माँ है वो अंदर पहुँचे हैं, उस घटनास्थल पर वो गए हैं, पुलिस उनके साथ है और इस पूरे मामले की जो तफ्तीश है वो पुलिस यहाँ पर कर रही है। SIT का भी गठन किया गया है और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द SIT अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और रिपोर्ट मिलने के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ की जाएगी। कैमरामैन अजय मालवीय के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेन।